तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं स्टैगरिंग के बारे में बात करने वाला हूं। जो लोग सिविल इंजीनियर हैं या फिर जो किसी कंस्ट्रक्शन साइट से जुड़े हुए हैं वो स्टैगरिंग वर्ड को जरूर सुने होंगे। जो कॉलम होती है या फिर बीम होता है उसमें जो हम लैब प्रोवाइड करते हैं उसे हम लोग एक लाइन में नहीं डाल सकते, उसे हम लोग अल्टरनेट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एक लैब सेंटर से ऊपर प्रोवाइड करते हैं और एक बार नीचे प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसको लेकर हमारे बीच बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं जिसको मैं आज यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। साइट पे बहुत बार ऐसे कंडीशन आते हैं जब हम बार को स्टैगर्ड नहीं कर पाते, उस कंडीशन में IS कोड क्या कहता है इसी को लेके आज हम बात करेंगे। हर बार को स्टैगर कैसे करना है, इसको स्टैगर करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उसे कैसे सॉल्व करना है एज पर IS कोड, ये सब आज इस वीडियो में हम जानेंगे। आज यहाँ पे जो भी बात होगी वो सभी IS कोड के अकॉर्डिंग होगी जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के लास्ट पार्ट में मैंने एक कैलकुलेशन समझाया है जो कि बहुत ज़्यादा काम की है आपके लिए, जो अभी तक आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलेगी, उसे जरूर समझ लीजिएगा, आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। तो मैं हूँ सिविल इंजीनियर मुकेश शाह और आप देख रहे हैं लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा कि हम लोग जानते हैं कंस्ट्रक्शन में हम लोग साइट पर जो बार यूज करते हैं वो 12 मीटर लंबा होता है, इसलिए इसको लेकर प्रॉब्लम यह रहती है कि इतने बड़े लंबे स्टील को हम एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम कैसे करेंगे। तो हम वहां पे क्या करते हैं कि 12 मीटर के लंबे सरिये को पार्ट पार्ट में काट कर ऑल्टरनेट फ्लोर पे या फिर हर फ्लोर पे हम लोग उसको लैप करके यूज करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि स्प्लाइस करते हैं। लैपिंग का टेक्निकली IS कोड में स्प्लाइसिस कहा गया है। तो हम लोग दो बार को लैप करते हैं और इसी लैपिंग के जरिए हम एक बार से दूसरे बार पर लोड को ट्रांसफर करते हैं, एक बार से दूसरे बार पे लोड को ट्रांसफर करते हैं। ये एक जनरल फंडा है, लेकिन IS कोड ये भी बताता है कि जब हम दो बार को लैप करते हैं तो वहां पर एक जॉइंट क्रिएट होता है और इस जॉइंट की वजह से वहां पे हाई स्ट्रेस डेवलप होता है जिससे वो पोर्शन वीक हो जाती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें कहीं भी जॉइंट नहीं देना चाहिए? ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इन्हीं सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए IS कोड निकाला गया और उसमें यह बताया गया है कि हम कहां कहां पे जॉइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। IS कोड को बनाते वक्त बहुत सारे प्रोफेशनल इंजीनियर डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग पे वेरियस सेस्मिक कंडीशन में एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने देखा कि जोन भी ऐसा जोन है जहां पे हम लैब प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसा कि आप यहां तस्वीर में देख पा रहे हैं। अगर आपको जानना है कि जोन बी में ही क्यों प्रोवाइड करते हैं लैब, या फिर जोन बी कहां पे होता है, कहां से इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए मैंने एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो आप आई बटन में मिल जाएगा, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाओगे तो वहां भी मैंने लिंक दे दिया है, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो हम कॉलम के मिड पोर्शन में जो कि हमारा जोन बी है वहां पे लैब प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका रीजन ये है कि सेंटर में बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है जिसकी वजह से वहां कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है, इसी वजह से लैब प्रोवाइड करना सेफ होता है कॉलम के एकदम सेंटर में। चलिए अब समझ लेते हैं कि दो बार को जोड़ने के लिए हम लोग कौन सा तरीका अपना सकते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है लैपिंग, जिसमें एक बार ऊपर से आता है और एक नीचे से आता है और एक्स्ट्रा लैप की मदद से उसे लैप कर दिया जाता है बाइंडिंग वायर की हेल्प से। नेक्स्ट है फ्लैश बट वेल्डिंग, इसका रिकमेंडेशन हमें देता है IS कोड 9417:2018। उसके बाद जो नेक्स्ट तरीका है वो है कपलिंग का, यहाँ हम कपलर को यूज करके दो बार को जोड़ते हैं। कपलर बहुत हाई ग्रेड स्टील से बनाया जाता है जिसकी स्ट्रेंथ TMT बार से भी ज्यादा होती है। अगर एग्जांपल की बात करें तो EN8D इज एन यूज्ड एज कपलर मटेरियल। तो ये वो तीन तरीके हैं जिसकी मदद से हम दो बार को जोड़ सकते हैं एज पर IS कोड।
अब चलिए हम लोग यहाँ पर लैपिंग में लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म को समझ लेते हैं, यानी कि आरसीसी मेंबर में लोड किस तरह से ट्रांसफर होती है लैपिंग के दौरान। आरसीसी स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऊपर वाला जो बार होता है उस पर लोड आती है, उस पर लोड ट्रांसफर होता है। उसके बाद ऊपर वाला बार अपना लोड कॉन्क्रीट पे ट्रांसफर करता है और फिर लास्ट में कॉन्क्रीट वापस से नीचे वाला जो बार होता है ना उस पे वो ट्रांसफर कर देता है, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं। लेकिन कपलर जॉइंट में ऐसा नहीं होता। कपलर जॉइंट में लोड स्टील बार टू स्टील बार ही ट्रांसफर होता है और ये यूटीएम यानी कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ भी है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि अगर हम सारे लैब को एक ही लाइन में प्रोवाइड कर देते हैं तो वहाँ पे हाई स्ट्रेस डेवलप होता है जिसके स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और सॉल्यूशन ये निकल के आया कि अगर हम ऑल्टरनेट लैब प्रोवाइड करें तो हमारा जो उस जगह पे स्ट्रेस डेवलप होता है ना वो डिवाइड हो जाता है। अब आप इस सेकेंड वाले पिक्चर में देखिए, यहाँ एक पिक्चर में लैब सेंटर से नीचे प्रोवाइड किया गया है, उसके बाद वाले में सेंटर से ऊपर प्रोवाइड किया गया है, उसके बाद वाले में वापस से सेंटर से नीचे प्रोवाइड किया गया है और फोर्थ वाले में वापस से ऊपर प्रोवाइड किया गया है। यानी कि लैब को 50% करके सेंटर से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ से तो हमें एक सॉल्यूशन मिला, लेकिन यहीं पे खत्म नहीं होता है। स्टैगरिंग को लेकर आईएस कोड में एक क्लॉज दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। एसपी 34 के पेज नंबर 243 में अगर आप जाओगे तो वहां पे स्टैगरिंग को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट एक गाइडलाइंस है जिसे हमें फॉलो जरूर करना है। तो जब आप एसपी 34 के पेज नंबर 243 को खोलते हो तो आपको ये स्केच देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं येल्लो कलर में 300 mm लिखा हुआ है जो आपको मेंटेन करना है हर कीमत पे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जब एक लैब एंड हो रही है और दूसरा लैब स्टार्ट हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो क्लियर डिस्टेंस है वो है 300 mm, यानी कि दो जॉइंट के बीच में 300 mm का गैप आपको रखना है और इसको आपको हर कीमत पे मेंटेन रखना पड़ेगा। जनरली साइट पे इंजीनियर इस 300 mm को दो लैब का एंड पॉइंट को समझ लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप फर्स्ट वाले पिक में दिखाया गया है जो कि बिल्कुल गलत है। इसी के साथ एस पर आईएस कोड 456 के क्लॉज नंबर 26.2.5.1 में उसके बी पार्ट में एक कंडीशन दी हुई है। उसमें ये बताया गया है कि हम दो बार को स्टैगर तब बोलेंगे जब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ लैब इज नॉट लेस देन 1.3 टाइम्स द लैब लेंथ, यानी कि सेंटर लाइन से एक लैब ऊपर है और एक लैब नीचे है, दोनों लैब का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आप चेक कीजिए, देखना वो डिस्टेंस लैब लेंथ के 1.3 टाइम से ज्यादा हो, कम ना हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं कि स्टैगरिंग को लेके प्रॉब्लम क्या आती है साइट पे। सबसे पहले तो ये है कि अगर हम कंस्ट्रक्शन में हायर डाया यूज करते हैं जैसे 32 mm या 40 mm, तब डेवलपमेंट लेंथ के बढ़ जाने से हमारे बार जो है वो स्टैगर्ड नहीं हो पाते, लैब लेंथ के बढ़ जाने से स्टैगर्ड नहीं हो पाते जोन बी में। तो व्हाट टू डू इफ लैब इन कॉलम कम्स इन जोन ए, इसका डिटेल सॉल्यूशन मैंने एक वीडियो में बना के समझाया हुआ है जो आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। इसी के साथ एक और प्रॉब्लम ये आता है कि लैपिंग के दौरान हमें बार को जॉगल करना पड़ता है, वो भी 1:6 रेशियो में, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यानी कि एक बार नीचे से आया और एक बार ऊपर से ऐसे आता है और जॉगल होकर ऊपर से आया जॉगल होकर नीचे चला जाता है ताकि प्रॉपर तरीके से लोड ट्रांसफर हो सके नीचे वाले पार्ट पे। लेकिन हायर डाया में ये बहुत मुश्किल होता है करना। इसके साथ ही साइट पे ये भी देखा गया है कि हायर डाया के हैवी वेट होने के कारण इसे पार्ट बेंडर्स लिफ्ट नहीं कर पाते, ये करते हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्रेन से लिफ्ट करवाना पड़ता है जो कि सेफ नहीं है। तो अब बात ये आती है कि अगर हम जॉइंट पे लैप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे।
तो मैं आपको बताता हूँ कि वेल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन वेल्डिंग के वजह से स्टील की डक्टिलिटी प्रॉपर्टी जो है वो इफेक्ट होती है। इसलिए IS कोड 9417:2018 में बताया गया है कि हम फ्लैश बट वेल्डिंग कर सकते हैं जिससे स्टील की प्रॉपर्टी लॉस नहीं होती है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो है कपलिंग का। आप दो बार को जोड़ने के लिए कपलर का यूज कर सकते हैं। कपलर का यूज करके आप हर बार को स्टैगर्ड रख सकते हैं आसानी से, और साथ ही 300 mm का जो गैप मेंटेन करना है दो लैप के जॉइंट के बीच वो भी आसानी से मेंटेन होता है, क्योंकि एक कपलर 50 mm का होता है लेकिन लैप के दौरान 1 मीटर से ज्यादा का भी लैप लेंथ आता है हायर डाया के वक्त। वहां पे 300 mm का जो गैप मेंटेन करना है ना वो पॉसिबल नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल होती है, और इसमें SP34 की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जो है वो वायलेट होती है, जो कि सही नहीं है। अब मैं आपको स्टैगरिंग का एक न्यू कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो मैंने अभी तक अपने चैनल पे नहीं बताया है। जनरली IS 456 बताता है कि हम जॉइंट एक लाइन में नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन मैं आपको अगर बोलूँ कि अगर आप कपलर यूज करते हो तो आप जोन बी के साथ साथ जोन ए में भी लैप प्रोवाइड कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि मैं ये खुद से कैसे बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये IS कोड बताता है। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे जॉइंट जोन बी के साथ साथ जोन ए में भी प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि हमारा क्रिटिकल जोन है जहाँ पे मोमेंट मैक्सिमम होती है, वहाँ भी जॉइंट प्रोवाइड किया गया है, और ये IS कोड के अकॉर्डिंग पॉसिबल है। अगर आप IS कोड 13920 के क्लॉज नंबर 7.3.2.2 में जाओगे, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप कपलर अगर यूज करते हैं तो आप किसी भी जोन में जॉइंट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि कपलर लोड को वन बार से दूसरे पार्ट पे ट्रांसफर करता है, और ये एक्सपेरिमेंट UTM यानी कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में प्रूफ्ड भी है। तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं जहां स्लैब से 1.5 फीट या 1 फीट या उससे भी कम सरिया निकला हुआ होता है, और हम टेंशन में आ जाते हैं कि कैसे यहां पे जॉइंट दें या लैब प्रोवाइड करें, तो कपलिंग इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। लेकिन आपको 300 mm का गैप एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट के बीच में मेंटेन करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको डिफरेंट लेंथ के स्टील बार कट करने पड़ेंगे, जिसके लिए हाई स्किल की ज़रूरत है, और अगर आप सही लेंथ का स्टील कट नहीं करते हो तो स्टील के वेस्टेज की वजह से आपका खर्च बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए कॉन्टेक एक ऐसी कंपनी है जो आपको खुद से सारे कैलकुलेशन करके डिफरेंट लेंथ की स्टील कट करके थ्रेडिंग के साथ प्रोवाइड करती है, ताकि आपका जॉइंट प्रॉपर्ली स्टैगर्ड हो सके। इसके साथ ही कपलर भी आपको कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करता है, इससे आपके स्टील की बहुत सेविंग्स भी होगी और आपका टेंशन भी खत्म हो जाएगा। इस स्टैगर्ड के सिस्टम को इंडिया में सबसे पहले कॉन्टैक्ट ने ही इंट्रोड्यूस किया है। इसके साथ ही ओवरलैप में आपको एक्स्ट्रा स्टील के साथ साथ डिफरेंशियल वेट लॉस भी होता है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कैलकुलेशन के थ्रू। लेकिन कपलिंग का यूज करके आप 0% वेस्टेज अचीव कर सकते हो। चलिए मैं आपको एक कैलकुलेशन से समझाता हूँ कि डिफरेंशियल वेट सेविंग क्या है और इससे आपका कितना ज़्यादा फायदा हो सकता है अगर आप कपलर को यूज़ करते हो तो। यह जानना जरूरी इसलिए है कि हम सभी जानते हैं कि स्टील बहुत कॉस्टली आइटम है, और अगर हम इसके वेस्टेज को कंट्रोल करते हैं तो एक प्रोजेक्ट के प्रॉफिट में हम बहुत बड़ा सेविंग्स ला सकते हैं। चलिए अब समझते हैं डिफरेंशियल वेट सेविंग्स को। बहुत कोई समझ रहे होंगे कि जो लैब प्रोवाइड करते हैं दो बार को जोड़ने के लिए, जो एक्स्ट्रा बार हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो है डिफरेंशियल वेट, लेकिन नहीं, उससे कहीं ज़्यादा है डिफरेंशियल वेट। चलिए मैं आपको ये स्केच समझाता हूँ जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इससे आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बार में लैपिंग यूज किया गया है और दूसरे वाले में कपलर यूज किया गया है। अगर आप साइड पे ड्राइंग को फॉलो करते होंगे तो देखते होंगे कि डिफरेंट डाया के बार अलग अलग फ्लोर के लिए मेंशन होते हैं। जैसा यहाँ पे देखिए, 25 mm का बार फाउंडेशन से फर्स्ट फ्लोर तक जाएगा, उसके बाद 20 mm का वो हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है?
अब समझते हैं कि अगर हम लैब के थ्रू जॉइंट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा और कपलर के थ्रू अगर हम जॉइंट प्रोवाइड करते हैं तो क्या अंतर आने वाला है। लैब के थ्रू जॉइंट को प्रोवाइड करने के लिए आपको 25 mm के बार को जोन बी में ले जाना पड़ रहा है, जिसके लिए हमें 5 फीट 10 इंची का लेंथ जो है ना वो एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप कपलर यूज करते हो तो उसके लिए जरूरत ही नहीं है इसकी, जस्ट आप 25 mm के बार को फाउंडेशन से फर्स्ट फ्लोर तक ले जाइए, उसके बाद वाले फ्लोर के ऊपर से ही आप 20 mm का बार ले जा सकते हैं, जो कि IS कोड भी बोलता है और ये कपलर के थ्रू ही पॉसिबल है। तो आप इस ड्राइंग से समझ रहे हैं ना कि बिना मतलब का मुझे 25 mm का बार एक्स्ट्रा ले जाना पड़ा, जहां पे उसकी जरूरत ही नहीं थी, 20 mm का बार वहां से हमें ले जाना था। तो अब एक कैलकुलेशन के जरिए समझते हैं कि कितना का लॉस हो रहा है हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टील को यूज करने से। ड्राइंग में आप देख पा रहे हैं कि 25 mm के बार को हम फ्लोर से लेके 5 फीट 10 इंची तक एक्स्ट्रा ले गए, जहां पे 20 mm का बार होना चाहिए था। तो एक बार का वेट अगर हम निकाले 25 mm के 5 फीट 10 इंची का, तो वो आएगा आपका 6.85 kg। वही अगर हम 20 mm के वेट निकालें 5 फीट 10 इंची का ही, तो वो आएगा आपका 4.38 kg। डिफरेंस कितना हुआ सिर्फ एक बार के लिए? अगर आप माइनस करते हो 6.85 kg और 4.38 kg, तो आपका डिफरेंस आ जाएगा 2.47 kg का। लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पे देखते हैं कि एक कॉलम में 15 से 20 बार तक होती है, 25 भी होती है या फिर उससे भी ज्यादा होता है। अगर मैं 15 बार ही पकड़ के चलूं यहाँ पे, तो लगभग 38 केजी का आसपास का अंतर आ जा रहा है, और सिर्फ ये एक कॉलम का है, समझ रहे हो ना। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि लैपिंग से कितना लॉस होता है आपका, और सिर्फ एक कपलर को यूज करने से कितना ज्यादा सेविंग्स आप कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा रीजन है कि सारे बड़ी बड़ी कंपनियां कपलर का ही यूज करती है। अगर आप लैपिंग और कपलर के कॉस्ट कंपैरिजन अपने घर को बनवाने के लिए जानना चाहते हैं या फिर किसी प्रोजेक्ट के लिए जानना चाहते हैं, तो ये कॉन्टैक्ट आपको फ्री में प्रोवाइड करता है। इसी के साथ आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के ट्रिगर बार और साथ में कपलर अपने लोकेशन पर मंगवा सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी। आपको कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्ट करने का सारा डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ ही बहुतों को अपने घर को बनवाने के लिए ड्राइंग समझ में दिक्कत होती है, उन्हें समझ नहीं आता है कि कौन सा सरिया किस फ्लोर तक जा रहा है, कहां से डाइवर्ट हो रहा है, तो कॉन्टैक्ट आपको इसका स्केच बना के कलरफुल तरीके से समझाता है, ताकि आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए और समझ में आए कि आपके कॉस्ट में कितनी सेविंग्स हो सकती है। ये सारा चीज आपको साइट पे प्रोवाइड करता है कॉन्टैक्ट, इसलिए आप कॉन्टैक्ट की मदद ले सकते हैं। आपकी जो भी डाउट है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको हेल्प जरूर किया जाएगा। वीडियो अगर काम की लगी तो आप शेयर इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।